हेलो फ्रेंड, ऑटोमेशन विद कमलेश चौहान में आपका स्वागत है। आज एचपी लैपटॉप जो 15HDU3060TX नोटबुक का एसएसडी और रैम अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो आपको मैं दिखाने जाने वाला हूँ। तो देख सकते हो आप वीडियो में जो दो ऊपर पीछे लगी हुई स्ट्रिप है वो निकालना है। वो रिमूव करने के बाद आपको वहाँ पर स्क्रू दिखाई देंगे, वो स्क्रू रिमूव करने हैं। स्क्रू रिमूव करने के बाद आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा। उस और लैपटॉप ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे M.2 का SSD आप 128 GB से लेकर 1 TB तक का इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ इस लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट बैटरी लगी हुई है, तो आप देख सकते हो इनबिल्ट बैटरी मॉडल भी आप इजीली कैप्चर कर सकते हो कौन सा है अगर फ्यूचर में आपको इंस्टॉल करना है तो अभी। और जब मैं ओपन ही कर लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हार्ड डिस्क भी लगी है जो आप को कोई रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी M.2 का स्लॉट एक्स्ट्रा होने के कारण आप दोनों SSD और हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने अभी SSD इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया है। SSD इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको प्रॉपर स्क्रू से टाइट कर लेना है, लूज़ नहीं रखना है। और आप देख सकते हो इसके अंदर रैम लगा हुआ है 8 GB का, आप 16 GB तक इससे इंस्टॉल कर सकते हो और एक 8 GB का रैम आप इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, ये रैम इंस्टॉल हो गया है SSD में। अभी मैं विंडोज़ इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।